हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूके सेफ। आप सभी को पता है कि 15 फरवरी से 6 मार्च तक एग्ज़ाम फी विदाउट ले फी पेमेंट किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज 15 फरवरी है और वेबसाइट पे इस चीज़ को स्टार्ट कर दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग फटाफट देख लेते हैं कि कैसे NIAVOS के फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम फी पेमेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले आपको चलना पड़ेगा, ठीक है, आपको NIAVOS DLED फॉर अनट्रेंड टीचर, इस पर आके क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद ये पेज इस तरह से ओपन होगा और आपको यहाँ पर आने के बाद आपको क्लिक करना पड़ेगा टीचर सेक्शन पे। इसको क्लिक कीजिए। इसको क्लिक करने के बाद ये इस तरह से ओपन होगा और देख रहे हैं ऊपर में सबसे ऊपर लिखा हुआ है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ DLED एग्जामिनेशन फी फॉर कोर्स 501, 502 एंड 503। इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये कुछ ऐसे ओपन हो रहा है और यहाँ पर लिखा आ रहा है एनरोलमेंट नंबर। आप यहाँ पर अपना एनरोलमेंट नंबर, ठीक है, डालिए। जैसे कि मेरा एनरोलमेंट नंबर है 1007 1007 1617 1613 9 03, उसके बाद 001, ठीक है। इस पर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद देख रहे हैं पूरी तरह से जो भी मेरा डाटा है वो यहाँ पर दिखा रहा है, शो कर रहा है। मेरा एनरोलमेंट नंबर शो कर रहा है, नेम शो कर रहा है, फादर नेम शो कर रहा है, परसेंटेज शो कर रहा है 12 क्लास का, और कैटेगरी शो कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अब वैसे आपका भी शो करेगा। उसके लिए यहाँ पर नीचे एक लाइन है, यहाँ पर लिखा रहा है डू यू हैव अप्लाइड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ परसेंटेज ऑफ क्लास 12 इन NIAVOS। कह रहा है क्या आपने NIAVOS में 12 क्लास के परसेंटेज को इम्प्रूव करने के लिए अप्लाई कर चुका है। अगर आपने अप्लाई कर चुका है तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर यस पे क्लिक कीजिए। अगर आप नहीं किए हैं अप्लाई तो नो पे क्लिक कीजिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पर को बता दूं कि किसे अप्लाई करना है और किसे अप्लाई नहीं करना है। तो जैसे वैसे भी वैसे स्टूडेंट जिनका 12 क्लास का परसेंटेज 50% से बिलो था उनको अप्लाई करना था, यहाँ पर जिनका 50% से ऊपर था उनको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं था। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा जो परसेंटेज 12 क्लास वो 59% है, जो 50% से ऊपर है, इसलिए मुझे इसका ज़रूरत नहीं पड़ा, तो मैं अप्लाई नहीं किया हूँ, इसलिए मैं नो पे क्लिक करता हूँ। तो नो पे क्लिक करते ही ये देख रहे हैं कुछ ऐसे ओपन हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं लिखा आ रहा है एग्ज़ाम फी फॉर एग्जाम फी फॉर एग्जामिनेशन ऑफ कोर्स कोड 501, 502, 503, और नीचे लिखा आ रहा है फी RS 250 रुपीज़ इस सब्जेक्ट, फिर 250 × 3 इज इक्वल टू 750 रुपीज़ टोटल। मतलब तीन कोर्स का जो 250 रुपये पर फी रखा गया है उसके हिसाब से तीन कोर्स का 750 रुपये टोटल होता है। अब आपको क्या करना है, मैक पेमेंट पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही ये कुछ ऐसे ओपन होगा, ठीक है, और यहाँ पे दिखा रहा है, शो कर रहा है चूज पेमेंट मेथड, आपको कैसे इस पेमेंट को पेमेंट करना है। तो देख रहे हैं यहाँ पर लिखा रहा है पहला पे यूजिंग वीजा या मास्टर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, ठीक है। दूसरा कह रहा है पे यूजिंग वीजा मास्टर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, ठीक है। लेकिन अब देख रहे हैं साइड में लिखा आ रहा है पावर्ड बाय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसमें साइड में लिखा आ रहा है पावर्ड बाय ICICI PG, ठीक है। उसी तरह से नीचे कुछ और ऑप्शन है, उसके बाद आपको जिस भी ऑप्शन के थ्रू पेमेंट करना है उस ऑप्शन को क्लिक कीजिए। और आप यहाँ पर देख रहे हैं नीचे है मैक पेमेंट, आप मैक पेमेंट पे क्लिक कीजिए। मैक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपका पेमेंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, और आपको फिर फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं, हम इस पर क्लिक करके देखते हैं। मैं इससे करता हूँ, ठीक है, फर्स्ट से। तो इस पर मैं पेमेंट पे क्लिक किया, उसके बाद ये कुछ ऐसे ओपन हो रहा है, यहाँ पर लिखा आ रहा है क्रेडिट और डेबिट कार्ड नंबर। तो मैं अपना जो भी क्रेडिट कार्ड है डेबिट कार्ड नंबर है उसको मैं यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ, जैसे है 60 60। देख रहे हैं ये मैं पेमेंट जो कार्ड नंबर वो फिलअप कर रहा हूँ, मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ क्योंकि इसको बताने से मेरी जो सिक्योरिटी वो कैंसिल हो सकती है, इसलिए मैं अपनी सिक्योरिटी को देखते हुए इसको बता नहीं रहा हूँ और इसको मैं शो भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद नीचे है एक्सपायरी डेट मंथ और ईयर, तो मेरा जो भी है वो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ओके। उसके बाद फिर बगल में है CVV नंबर, तो आपके कार्ड के पीछे होगा तीन नंबर, तो मेरा जो भी है वो मैं यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। उसके बाद ये जो नेम ऑन कार्ड, कार्ड में जो नाम है उसको आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिए।
जैसा कि मेरा जो नाम है वो मैं फिलिप कर रहा हूँ, सब कैपिटल में होनी चाहिए, एमडी इश्तियाक, ठीक, पे नाउ। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद ये कुछ ऐसे ओपन हो रहा है, देखिए ये लोडिंग ले रहा है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे बोला जा रहा है ऑथोराइज द ट्रांजेक्शन, ओटीपी सेंड टू योर मोबाइल नंबर एंडिंग जो भी है 1080। ठीक है, यहाँ पर कोई ओटीपी आएगा मेरे मोबाइल नंबर पे, देखिए कौन सा ओटीपी आता है। अगर ये नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर रिसेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, रिसेंट ओटीपी, इस पर क्लिक करने के बाद फिर से ओटीपी आएगा, आप यहाँ पे ओटीपी डालेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे, सबमिट करते ही आपका पेमेंट क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा लेट कर रहा है, ठीक है, इसलिए मैं आपको इस वीडियो में नहीं दिखा रहा हूँ, आप अपना करेंगे तो कुछ देर बाद आ जाएगा और आपका पेमेंट क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।